डिविडेंड, तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, ये आपके पास टू इक्वेशंस हैं। हमने आपसे कहा था कि जब हम इनके लाइंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है। फॉर टू इक्वेशन वी हैव टू लाइंस, इफ वी हैव टू लाइंस ठीक है, तो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज फॉर टू लाइंस, आइदर द लाइंस विल बी इंटरसेक्ट। If lines are intersecting, ठीक है, तो points lie on the line is called the solution of the equation. But ऐसा point जो दोनों पे lie कर रहे हैं is called the solution of the system. So in this case, we have a single point, we have a one point which lie on both the lines. That is called the solution of the system, and it is called unique solution. जी सर. Sometimes हमारे पास टू लाइंस के लिए पैरेलल लाइंस आती हैं, तो आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा जो दोनों लाइन पे लाई करे, तो इसका मतलब लाइंस का सॉल्यूशन तो है, वी हैव सो मेनी सॉल्यूशन फॉर द सेपरेट लाइंस, सेपरेट इक्वेशंस, बट सिस्टम के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो इन दिस केस हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। एंड समटाइम हमारे पास क्या होता है, दोनों इक्वेशंस के लिए एक ही लाइन आती है, कल हमने ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, तो आपसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, बोथ लाइन लाई ऑन द सेम पाथ, तो ऐसी लाइंस को आप कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, और सारे के सारे पॉइंट्स दोनों लाइंस पे लाई करते हैं, और एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसका मतलब देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है इक्वेशंस, यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है बेसिकली, कि मैं आपसे कह दूं देयर इज अ इक्वेशन x plus y is equals to 4 एंड 2x minus y is equals to 5, आपसे कहा जाए सॉल्व, तो एक तो सॉल्व होता है बाय ग्राफिकली, ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, देख लीजिए कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन एक होता है एलजेब्रिकली सॉल्व करें, तो एक्चुअली होता क्या है, एलजेब्रिकली सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिनके ग्राफ इंटरसेक्टिंग होते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग अगर होंगे तब हम सॉल्व करेंगे, अगर वो पैरेलल लाइंस होंगी या कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि विच कौन सा सिस्टम हमारे पास इंटरसेक्टिंग है, कौन सा सिस्टम हमारे पास नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस है, कौन सा कोइंसिडेंट है, तो सबसे पहले इस कंडीशन को समझ लीजिए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है, सिर्फ कंडीशन पे बेस्ड, फिर सॉल्यूशन देन व्हाट प्रॉब्लम, तो देयर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर चैप्टर। हमारे पास क्या है, देखिए जरा ध्यान से सब बच्चे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इज इक्वल टू सी टू, आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्व के लिए आए या ना आए, बट ये वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में जरूर आएंगे। तो इस टॉपिक को भी यहीं पे क्लियर करते चलते हैं और सॉल्यूशन का भी देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटे, हम करते हैं कि रेशियोज फाइंड करेंगे, हम रेशियोज किसका, रेशियो ऑफ ए वन अपॉन ए टू फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस, और हम रेशियो फाइंड करेंगे बी वन अपॉन बी टू, और हम इनको कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज ए वन अपॉन ए टू एंड बी वन अपॉन बी टू, कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे बेटे ए वन अपॉन ए टू को और b1 upon b2 को, तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं आपके पास, आइदर दे विल बी नॉट इक्वल और इक्वल, a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2 और a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2, अगर ये इक्वल नहीं है, इफ द रेशियोज आर नॉट इक्वल, देन देयर ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइन, सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट सिस्टम एंड सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है बेटे, सब बच्चों के लिए सुन लीजिए, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा हो क्या रहा है, इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, देन ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तभी हम सॉल्व करेंगे, अगर ये इक्वल नहीं होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम, बिकॉज अगर सॉल्यूशन होता है तभी हम कंसिस्टेंट कहते हैं, एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। और जब आपके पास ये कंडीशन होगा इन एनी क्वेश्चन, तभी आप एलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं करेंगे, आप लिख देंगे नहीं, नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दीज इक्वेशंस।
तो ये हमारे पास होगा, इफ ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू देन द ग्राफ ऑफ दीज टू इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। विजिबल है सब बच्चों को? जी सर। गुड, देखो मैंने अभी जो आपको दो इक्वेशंस दिए थे, x plus y is equals to 4, 2x minus y is equals to 5, सब बच्चे मुझे बताइए what is a1 in first equation? 1. Very nice. What is a2 in second equation? 2. Yes. So what is a1 upon a2? सब बच्चे प्लीज ध्यान से बेटे, एक्चुअली क्या है इधर देख लीजिए। I2. Yes. Here a1 upon a2 is equals to 1/2. आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज b1 अपॉन b2 हियर? 1/2 1/-1 1/-1। अब बताइए दोनों इक्वल हैं या नहीं है? आर दे इक्वल या नॉट? नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो आपके पास क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इन दिस केस इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब बेटे अगर आप इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देयर विल बी टू इंटरसेक्टिंग लाइन, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड यू विल गेट द यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। सर जी बेटे, सर b2 माइनस 1 कैसे आया? b2 बेटे y के साथ कोफिशिएंट क्या है बच्चे? y के साथ बेटे कोफिशिएंट क्या है? कोई नंबर नजर नहीं आ रहा ना बेटे? जब नंबर नजर नहीं आता तो 1 होता है, लेकिन क्योंकि माइनस में है तो माइनस 1 होगा बेटे। ओके सर, क्लियर? फर्स्ट वाले में बेटे y के साथ कुछ नजर नहीं आ रहा है तो 1 है, बट लेकिन साइन प्लस है तो प्लस 1। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? अभी हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस आपको दिए होंगे, आपसे कहेगा सॉल्व, बट आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप करना भी चाहेंगे तब भी आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, उसका रीजन यही है, बिकॉज़ वो इस कंडीशन में फिट नहीं बैठता, इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं होता। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो यस सर, तो हमने क्या कहा बेटे, वी हैव टू इक्वेशंस, a1x + b1y = c1। x के साथ जो भी नंबर होगा प्लस या माइनस, फर्स्ट इक्वेशन में 1 लेंगे, सेकंड इक्वेशन में 2 लेंगे, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में a1, x के साथ y के साथ b1 एंड कांस्टेंट इज c और c1 एंड सेकंड इक्वेशन में a2 b2 एंड c2। तो हमने क्या चेक किया कि सबसे पहले हमने a1 a2 और b1 b2 को चेक किया और क्या चेक किया कि इक्वल है या नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब हमने देख लिया कि इक्वल नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर वो इक्वल हैं, इससे आगे चलते हैं कि नहीं, इफ दे आर इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तब हम क्या करेंगे बेटे, तब हम c1 और c2 को भी कंपेयर करेंगे, थर्ड वाले को। फर्स्ट टू आर इक्वल, तो अगर फर्स्ट टू इक्वल हैं तो नाउ आप कंपेयर करिए c1 c2 को, तो होगा क्या, a1 upon a2 and b1 upon b2 may be possible के c1 upon c2 के भी equal हो जाए। May not be possible. ठीक है? And may not be. तो अगर हम कहते हैं चलो not के लिए लेते हैं पहले, if not equals to c1 upon c2, तब हमारे पास होता है parallel lines. कौन से lines? Parallel lines होते हैं तो उस system में solution नहीं होता है, उसे कहते हैं inconsistent system. अभी आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे तो उसमें पूछेगा कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है, और उसमें आपके पास पैरेलल लाइंस हैं तो उसमें सिस्टम में सॉल्यूशन नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट में हमने किया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, सेकंड में कहा इक्वल है बट c1 c2 के इक्वल नहीं है, और थर्ड हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि नहीं, ऑल थ्री आर इक्वल, e1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ऑल थ्री आर इक्वल, तो इस केस में क्या होगा, कोइंसिडेंट यस, कोइंसिडेंट लाइन। इन पे क्वेश्चंस है बेटे, तो अच्छा इसमें यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ग्राफ वाला टॉपिक हो गया, सेकंड ये कंडीशन बेस्ड कोइंसिडेंट लाइंस, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन यहाँ पे भी है बट बहुत सारे हैं, तो सिस्टम इसको भी कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं, व्हेनेवर वी हैव अ सॉल्यूशन दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम एंड many solutions, infinite many solutions. तो ये आपके पास है, तो जरा ये तीनों आप conditions please mention करो paper पे, थोड़ा सा pen चलाओ। For two equation, if a1 upon a1x plus b1y is equals to c1, फिर सीधे four questions हैं आपके पूरे chapter में, only four question in your chapter, और चारों ही important है, पहले first two करते हैं फिर बाद में last two करेंगे।
a1x plus b1y is equals to c1, a2x plus b2y is equals to c2. If a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, that is unique solution. If a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1, c2 is no solution. And if all three are equal, that is Manning solutions. तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें छोटे छोटे से दो क्वेश्चंस क्या हैं. Done? What कर लिया आपने? देखो छोटे छोटे से questions हैं जो आपकी book में दिए हुए हैं. Only four questions in your chapter on these three conditions. तो आप सब बच्चों को practice करने हैं. मैं आपको MCQs भी दिखाता हूँ भी. तो इस साल आपके questions आए हैं exams में और different questions में CBSE ने place किए. आपके पास अगर बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 15 एंड एग्जाम्पल नंबर 16 मेंशन कर लीजिए बेटे. ओनली यू हैव फोर क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल नंबर 16. तो मैं जो कहता हूँ कम से कम उतने तो घर पे प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, ज्यादा नहीं. ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा बिल्कुल. आप सब बच्चे देखिए, दैट इज योर एग्जाम्पल 15. फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन. ओनली यू हैव टू राइट टू और थ्री लाइन, मैक्सिमम टू थ्री लाइंस. ठीक है, सब बच्चे को देखिए जरा प्लीज, कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट अप्लाई द कंडीशन. कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? इतना ही लिखना है. आप चाहें तो डायरेक्ट लिख दीजिए अगर आपको पता है. प्लीज देखो कितना लिखना है. सॉल्यूशन आपको लिखना है फोर यूनिक सॉल्यूशन. आपने कहा ये सिर्फ आपके लिए है, मतलब जरूरी नहीं है आप लिखे या ना लिखे. मैं लिख रहा हूं बस इधर आपको समझाने के लिए. ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू. ये आप मेंशन करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, बट आपको जो सिर्फ जो लिखना था. मुझे कोई बच्चा बताएगा ए वन कितना है मेरा यहाँ पे, ए टू कितना है मेरा यहाँ पे,
That is not equals to बेटे तो not equals to का ही साइन आना है. What is B1? P. What is B2? Two. Two cancel. Your answer P is not equals to 4. That's it. ये इतना सा आंसर है. Based on the conditions. सब बच्चों को कुछ समझ में आया? Yes sir. आपको क्या करना है? आपको ये चेक करना है कि what is the question given? Question given that find the value of P. Find the missing value. Of variable something is given, आपको दिया होगा और condition apply होगी कि for unique solution, for no solution, for many solutions. तो आपको ध्यान रखना है कि भाई unique solution के लिए condition क्या है, no solution के लिए condition क्या है, many solution के लिए condition क्या है, ये आपको ध्यान रखना है. तो अब अगर आपको ध्यान रख लिया कि भाई unique solution के लिए क्या था, तो ये जो मैंने conditions लिखी है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, आप लिखें या ना लिखें, एग्जामिनर को तो सिर्फ इतना चाहिए कि 4 by 2 is not equals to p by 2 आपका मेंशन होना चाहिए. तो here p is not equals to 4. Is this clear to all of you? देखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखो छोटा सा. फिर आपके पास इसमें मैं आपको मेंशन कर दूं पहले तो आपके पास how many questions are there on these two these topic. Example 15 बेटे only 4 question you have. Example 16 और उम्मीद कर सकते हैं कि 1 marks MCQ के लिए और 2 marks और even 3 marks के लिए. तो 1 और 2 तो most probably 3 बहुत rare आपके लिए 1 2 marks का question, लेकिन 1 marks तो 100% है. ठीक है, 4 topics you have. One is graph, one condition, another is solution and fourth last one is word problem. तो may be possible कि 4 question हो, may be possible 3 question. एक solution पे हो जाए, graph पे हो जाए, एक word problem पे हो जाए. ठीक है, word solution और word problem पे होना ही होना है. तो इन दो में से options हो सकता है, बट MCQs में हो सकता है. मैं अभी आपको दिखाऊंगा. एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16 एंड एक्सरसाइज 3.5 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 है. एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2, यस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 2 पार्ट्स हैं, 1 एंड 2. देखो क्या दिया है. अब आप सब बच्चे खुद देखो, कर सकते हो आराम से. थोड़ा सा यहाँ पे हमें कहना चाहिए, हमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं इस क्वेश्चन में. ये आपके पास, मैं इसको कर ले लेता हूँ. बस क्वेश्चन में सॉल्यूशन इतना ही है कि आप कंडीशन अप्लाई करें. यस, फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द following pair of linear equation have an infinite number of solutions, where the equations are 2x plus 3y is equals to 7, a minus bx plus a plus by is equals to 3a plus b minus 2. यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा problem हो सकती है कि sir two variables हो गए, तो x y तो पहले से variable हैं, a and b different another variables हैं, तो अब हम कैसे करेंगे? पर डरना नहीं है, सिर्फ apply करना. What is the condition given? कंडीशन क्या है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. तो आप बेटे यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, फोर मेनी सॉल्यूशंस. तो मैं सब बच्चों के लिए पहले कंडीशंस लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं है, हमने याद नहीं किया है. तो मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन होती है बेटे ऑल आर इक्वल, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू. ये हमारे पास होती है कंडीशन. तो ए वन इज वॉट टू, टू वट इज ए टू, ए माइनस बी, यस वट इज बी वन, थ्री वट इज बी टू, ए प्लस बी, यस वट इज सी वन, सेवन वट इज सी टू, टू थ्री ए प्लस बी माइनस टू, दैट्स ये हमारे पास. अब अगर हमारे पास, श्रेया बेटे वीडियो बंद करिए बच्चे, श्रेया वीडियो कर रही हूँ. अच्छा बेटे, तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2. अब आपको इनको अगर सॉल्व करना है, बिकॉज यू हैव टू वेरिएबल्स, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ अगर आपको एक वेरिएबल सॉल्व करना है तो आपकी एक इक्वेशन फॉर्म होगी, बट अगर टू वेरिएबल सॉल्व करें तो दो इक्वेशन सॉल्व होगी.
और हमने सॉल्यूशन अभी इस इक्वेशन में सीखा नहीं है. एक्चुअली चैप्टर 3 है ही है कि सॉल्व द इक्वेशंस, बट सिंपल है, देख लेते हैं. हमें क्या करना होगा, हमें फर्स्ट टू इसको हम मेंशन कर लेते हैं फर्स्ट, इसको हम सेट कर लेते हैं सेकंड, और इसको हम कर लेते हैं थर्ड. तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, हम फर्स्ट टू को लेके एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. आप लास्ट टू को लेके भी एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, आप फर्स्ट एंड लास्ट लेके भी एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, फिर सॉल्व कर सकते हो. देखो ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ले लेते हैं पहले फर्स्ट एंड सेकंड. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बच्चों को समझ में आ रहा है? 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b. Yes or no? Yes sir. सब बच्चे देख लीजिए प्लीज, आपके पास क्या है, आपके पास है 2 upon a minus b and 3 upon a plus b. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2a plus 2b is equals to 3a minus 3b. तो आप क्या कर सकते हो, b एक साइड ला सकते हो और a एक साइड ला सकते हो. तो 3a minus 2a आपके पास a रह जाएगा और 3b plus 2b आपके पास 5b आ जाएगा. तो ये आपके पास आएगा a is equals to 5b. ये आपके पास इक्वेशन वन फॉर्म हो गई. अब एक पेयर और ले लीजिए, सेकंड या थर्ड. चलिए सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड. मल्टीप्लाई करिए बेटे थ्री से, थ्री थ्री जा 9 प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6. 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7a प्लस 7b. a और b एक साइड ला सकते हैं आप, ठीक है, और 1 में से a इज इक्वल्स टू 5b प्लेस कर सकते हैं. तो 9a माइनस 7a इज इक्वल्स टू 2a, 3b माइनस 7b दैट इज माइनस 4b, 6 को आप इधर ले जाइए इज इक्वल्स टू 6. अब आप यहाँ पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू 5b. यस, पुट कर दीजिए a इज इक्वल्स टू 5b. तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू 5. यही हम इस चैप्टर में सीखेंगे सॉल्यूशन, माइनस 5b, माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6. 2 5 जा 10b, 10b माइनस 4b इज 6b. तो 6b इज इक्वल्स टू 6. फाइनली b इज इक्वल्स टू 1. अब 1 को अगर आप इक्वेशन 1 में प्लेस करोगे, ठीक है, तो आपके पास a कितना आ जाएगा, 5. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, मिनिमम 3 मार्क्स का क्वेश्चन. तो a इज इक्वल्स टू 5, इसे सब बच्चे पहले नोट करें जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जी बेटे सर, a इक्वल्स टू 5b कैसे, a इज इक्वल्स टू 5b तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया था ना बेटे आपके पास. ओके सर, है ना, पहले आप इसे नोट करो, फिर मैं देखो आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, जो मेंशन किए हुए हैं एमसीक्यू बेस. सब बच्चे पेन चलाओ, 3 मार्क्स के लिए मिनिमम, लेकिन ये क्वेश्चन है. और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जामिया यूनिवर्सिटी में या डिप्लोमा में अगर आपको करना है तो ये क्वेश्चन 100% हर साल आता है. हर साल ये क्वेश्चन एनटीएससी में भी आता है, आपके जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आता है. नोट करो, मैं दिखा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन. Sir, I have to leave. I am going somewhere. Busy. Okay, sir. जी बेटे. हमारी रेगुलर क्लासेस हैं, हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं, अगर आपने सिर्फ 1 मार्क्स का भी एक क्लास से अर्न कर लिया, मेरे हिसाब से बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह. बट आप डेली आप उसको करते रहे, पढ़ते रहे, तब अच्छा लगेगा. नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर. ये देखिए, 2
2020 का मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूँ पहले, तो आपको समझ में भी आएगा कि है क्या। अब आप खुद सोचिए, अगर आपने इस क्लास से ये एक मार्क्स का क्वेश्चन सीख लिया, ये आपका 2020 बोर्ड का पेपर है, ठीक है सर? बोर्ड एग्जामिनेशन 2019-20 स्टैंडर्ड पेपर है, और उसमें ये वन मार्क्स का क्वेश्चन यही जो अभी हमने सीखा है। आज आपने अगर ये सीख लिया वन मार्क्स, मेरे नजर में माशाल्लाह आप परफेक्ट हैं कि आज का काम हो गया, और मुझे लग रहा है कि उम्मीद है इंशाल्लाह सब बच्चे आंसर दे सकते हैं। द पेयर ऑफ 3x + 4y + 2 = 0 and 4x = 5y - 13 of the linear equation has single solution, two solution, many solution, no solution. No solution. सब बच्चों को समझ में आ गया? जी सर। एक्चुअली हो क्या रहा है, आपके पास क्या है, अब मैं इसको उधर ले लू, यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश की थी उसने क्वेश्चन में, ठीक है? ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही लाइन लिखना था, बस रफ लिख लें, पेयर लिख लें, वन मार्क्स का था ऑप्शन वाला। तो एक्स के साथ बेटे A1 3 है और लास्ट दूसरे वाले में 4 है। अगर मैं सीधा सीधा सा कहूं, ये मेरा बेटा 3x है और यहाँ मेरा 4x है, तो A1 / A2। सब बच्चों को नजर आ रहा है? जी सर। यस सर। सेकंड, फिर आपके पास वाई के साथ B1 तो बेटा 4 है, लेकिन दूसरे वाले में जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, वहां इक्वेशन उसने is equals to 5y दिया है बेटे, is equals to 5y। तो लेकिन अगर इस 5y को भी मैं इधर लाऊं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में -5y हो जाएगी। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देख लीजिए, ये इक्वेशन होनी चाहिए थी 4x - 5y = 13 को भी अगर इधर ले आओ तो +13 = 0। ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। बस तो आपका जो B2 है बेटे वो -5 है, लेकिन -5 भी हो जाए तब भी हमारे पास बताओ A1 / A2 is 3/4 and B1 / B2 is 4/-5, are they equal or not? No. So if they are not equal, A1 / A2 is not equal to B1 / B2, then it means it is a unique solution, and unique solution means one answer. Intersecting. ठीक है, intersecting at one point. तो ए सिंगल सॉल्यूशन। एक्चुअली दूसरी चीज और देख लीजिए, एमसीक्यूज में जब भी होता है, केबीसी आपने सबने देखा हुआ है, कुछ ऑप्शंस तो बेटे इलॉजिकल होते हैं। इलॉजिकल क्या, जब भी आप पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात कर रहे हो उसमें टू सॉल्यूशन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, ठीक है बेटे? तो कुछ चीजें तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि भाई होता क्या है, टू इक्वेशंस के लिए यूनिक सॉल्यूशन होता है यानी कि सिंगल सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है, तो बी तो ऑप्शन में भी नहीं है बेटे, ये हमें देखना था। तो देखो एक वन मार्क्स का आपका आंसर आ गया, यस और नो? यस सर। गुड, तो ये हमारा बोर्ड का क्वेश्चन था। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करेंगे, मैं चाह रहा हूं कि मैं एक सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन भी कर दूं, कल फिर मैं इन चारों टॉप क्वेश्चंस को करूंगा। आज हमने सिर्फ 2 करें, नेक्स्ट 2 हम कल करेंगे, बट प्लीज अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कर लें। तो आज मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व कहां से करना है वो देख लीजिए। आपके पास एक्चुअली बेटे 3 एक्सरसाइज हैं प्रैक्टिस के लिए, 3.3, 3.4 and 3.5, और only question number 1, only question number 1, तो वहां से हम स्टार्ट कर, आप सब कुछ चुके, तो प्लीज डेली प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, बट करिएगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, ऑर्डर समझ लीजिए, जो चाहे समझ लीजिए, बट प्लीज करिए, ओनली क्वेश्चन नंबर 1। तो पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा हूँ, और फिर एक क्वेश्चन एटलीस्ट या 2 क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूं। ये बेटा यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक्चुअली टू सॉल्व इक्वेशंस एल्जेब्रिकली वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आज हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही डिस्कस करेंगे, और ये मैंने आपको ग्राफ में भी बताया कि वो वाली चीज यहाँ यूज होगी। ये हमारे पास है, तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन उठाते हैं और उस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ मैंने आपको जो फोर क्वेश्चंस कहे हैं कंडीशन बेस्ड वाले वो, और ये एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ओनली ये आपको करना है। और इसमें भी अगर मैं आपसे कहूं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, थर्ड वाला आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सब बच्चे मुझे बताइए थर्ड वाले में a1 / a2 कितना है? 3/9 कितना होगा बेटे? 1/2 1/3 b1 / b2 कितना है? 1/3 1/2 कैंसिल हो जाएगा। और c1 / c2 कितना है? 1/3 अगेन 1/3 तो ऑल थ्री आर इक्वल। a1 सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? a1 / a2 is equals to b1 / b2 is equals to c1 / c2। तो आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लाइन लिख के काम चलाना है, सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट्स इट। बस इतना ही लिख देना है, कहानी खत्म। आप सॉल्व नहीं कर सकते इस इक्वेशन को। तो सर सीबीएसई वाले डालते क्यों ऐसे क्वेश्चन बुक में? ये बेवकूफ कौन बनाएगा? आप ही को तो चेक करना है कि आपको ये चीज पता है या नहीं पता। ठीक है सर जी, आप ही को आपकी आपके उसको चेक करना है कि आप जाग रहे हो या सो रहे हो। अब कुछ बच्चे होंगे इसको स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करने, और सॉल्व करेंगे एक्स आएगा ना वाई आएगा, चाहे आप आधा घंटा लगा दें, तो आपको देखना चाहते हैं कि आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। तो सिस्टम हैज मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ बस इतना ही मेंशन करना है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, बस एक क्वेश्चन आप देख लीजिए प्लीज। यस x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास मैथ हो साइंस हो इंग्लिश और लैंग्वेज में तो अपने मीनिंग होते ही हैं, जितने भी हम टर्म्स यूज करते हैं मैथ साइंस स्पेशली उनके अपने एक मीनिंग होते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? अगर आपके पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 तो आप नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज यू हैव टू वेरिएबल। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा हो एक्स प्लस एक्स प्लस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 तब आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इफ यू हैव ओनली वन वेरिएबल इक्वेशन तो यू कैन सॉल्व इट। तो हम यही कोशिश करेंगे क्या ये पॉसिबल है कि भाई वाई का सब्स्टिट्यूट जो है वो 3x माइनस 14 हो जाए, वाई ना हो 3x माइनस 5 हो जाए, नाउ देन वी कैन सॉल्व। दैट इज द मेथड एंड दैट इज द जो मीनिंग कहना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का मीनिंग यही है। तो हम करना क्या है आप वो देख लीजिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में। एक्चुअली क्या है बेटे हम यहां से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही आपको लिखना चाहिए कि वी हैव फर्स्ट इक्वेशन x plus y is equals to 14 and x minus y is equals to 4। आप उन्हें मेंशन करिए प्लीज 1 and 2। अब हम क्या करते हैं जो हमने ग्राफ में किया था ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन कि हम उसका अल्टरनेट ढूंढना चाह रहे हैं। मतलब फ्रॉम फर्स्ट, आप फर्स्ट से भी ले सकते हो सेकंड से भी ले, जिससे आपको इजी लगे। मैं फिलहाल फर्स्ट से ले रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट। अगर हम वाई को इस साइड ले जाएं बेटे तो क्या हम लिख सकते हैं एक्स विल बी 14 माइनस वाई, यस और नो? सब बच्चे बताओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो दैट विल बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई एक्स जहां भी आए उसे मेरी नजरों के सामने से हटा दो और उसकी जगह सर आप प्लेस कर दो 14 माइनस वाई। बट यहां ध्यान ये रखना है ये जो आपने वैल्यू फाइंड करी है ये आपने वन से फाइंड किया है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो इसका मतलब वन में प्लेस नहीं करना है, इस वैल्यू को टू में प्लेस करना है, पुट इन टू। तो आपके पास टू क्या था बेटे? आपके पास 2 था x minus y is equals to 4, लेकिन अब आपने x को consider कर लिया है 14 minus y, तो आप क्या लिखोगे 14 minus y
एंड माइनस वाई इज इक्वल टू फोर. सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? इसे कहते हैं बेटे सब्सटीट्यूट करना. x का सब्सटीट्यूट 14 माइनस वाई, x का अल्टरनेट 14 माइनस वाई, x को रिप्लेस कर सकते हैं 14 माइनस वाई से. अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आपके पास इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा तो आप सब बच्चे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यू कैन सॉल्व इजीली. ओपन द ब्रैकेट, आपके पास आ जाएगा बेटे 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4. 14 माइनस 4 हो जाएगा 10, 2y आ जाएगा इधर. तो आप सब बच्चे कह सकते हो कि y विल बी 5. यस और नो? हाँ भाई, सब बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? y is equals to 5 को आपको थर्ड में रखना है क्योंकि थर्ड में डायरेक्ट x की वैल्यू है. आप x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी इन थर्ड इक्वेशन. x is equals to 14 minus y. अब आपको फर्स्ट टू यूज करने की जरूरत नहीं है. तो फ्रॉम थर्ड x की वैल्यू क्या आएगी बेटे? 14 माइनस वाई, वाई हमारा 5 आ गया है. तो 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा भाई? x इज इक्वल्स टू 9. सर समझ में आया क्या कुछ थोड़ा बहुत या नहीं? सर आ गया. सब बच्चों को आया है? कुछ बच्चों को आया? दोबारा से? यस सर. आ गया सर, आ गया. गुड, एक बार और देखो, इसी को ही देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा. इसी को देखो और शॉर्ट में लिखता हूँ जिससे कि स्टेप्स कम से कम हो. ये हमारे पास है, तो अब आप चाहें तो आप लिख सकते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है. क्वेश्चन आप लिखेंगे, इसको आप मेंशन करेंगे 1, इसको आप मेंशन करेंगे 2. अब मैं आपसे, देखो मैंने आपसे कहा था 1 से भी ले सकते हैं, 2 से भी ले सकते हैं. तो 2 में y पहले से ही माइनस है, इसे इधर ला सकते हो इधर फ्रॉम 2. चलो यहाँ दूसरा मेथड हो जाएगा एक तरह से. अब हम 1 से नहीं ले रहे, 2 से ले रहे. फ्रॉम 2 x की वैल्यू क्या आएगी? कौन बच्चा बताएगा? y को राइट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 4 है ना बेटे. 4 प्लस y लिखो या y प्लस 4 लिखो? 4 प्लस y हो जाएगा. सब बच्चे बताओ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर. पुट इन 1. देखो कितने कम स्टेप्स में हो जाता है अगर आप ध्यान रखोगे चीजों को कि भाई ये माइनस वाला है तो ये ज्यादा अच्छा है. पुट इन 1, x की जगह 4 प्लस y रखो. तो 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 14. सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? yes, है ना बेटे. मैंने x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर दिया बेटे, यहाँ x को रिप्लेस कर दिया 4 प्लस y से. तो y y कितना हो गया भाई? 2y. 4 को राइट साइड ले जाओ, माइनस हो जाएगा. 14 माइनस 4 कितना होगा? 10. तो 2 से डिवाइड करो बेटे, 10 बाई 2 कितना होगा? 5. ये y की वैल्यू जो 5 आई है इसको हमेशा थर्ड में रखा करो. 1 और 2 की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट से कर रहे हो. तो जरा रखो 4 प्लस 5 कितना भाई? 9. x इज इक्वल्स टू 9. इस तरह से आपको सॉल्व करना सीखना है. अब जरा दूसरी चीज और सीख लीजिए आप सब बच्चे. जब भी आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं. आपका x आया है 9 और y आया है 4. फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, कोई बच्चा बताएगा मुझे? x plus y is equals to 14. तो आप खुद देखो कि 9 plus 5 14 हो रहा है या नहीं हो रहा है. हाँ भाई, yes, x हमारा कितना है? Yes, x हमारा कितना है? 9. y हमारा कितना है? 5. तो 9 plus 5 is 14. My solution is, जिसे कहना चाहिए, verified. बट समटाइम होता क्या, पहली इक्वेशन के लिए हुआ दूसरे के लिए नहीं होता, बट हमें दोनों के लिए करना है. आप मुझे बताओ 9 माइनस 5 4 है या नहीं है? Yes, sir. Yes, That's it. तो इस तरह से आप अपना आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं साथ के साथ कि मैंने सही सॉल्व किया है या नहीं. डैम श्योर हो सकते हैं कि नहीं 100% मेरा आंसर सही है. सर कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir, हो गया. Yes, sir. कर सकते हैं कुछ? देखो यहां से डरना नहीं है, एक छोटा सा और इतना ही कर लें आप. मैंने ज्यादा से 3-4 क्वेश्चन तो कुल डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ, बट आप करेंगे तो आप ही को कॉन्फिडेंस आएगा. शर्म से बचेंगे मुझसे जब मैं पूछता हूं बेटे किए या नहीं किए.
देखो हमेशा, फिर ये देखो कितना इजी है, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। कोई बच्चा बता सकता है वन से हम क्या करेंगे? S is equal to 3 plus t. From one, S is equals to t plus 3. That is my third equation. हमेशा आप मुझे S की जब निकालनी होगी वैल्यू तो यहाँ t रख दूंगा, S आ जाएगा डायरेक्ट। अब मुझे क्या करना होता है इसको? एलसीएम लीजिए बेटे, बहुत सिंपली एलसीएम आएगा बेटे 6, 3 2 जा 6, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 2t, 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करिए 3t इज इक्वल्स टू 6, 6 6 जा कितना होगा भाई? 36, 6 जा 36, 2 एंड 3 5t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 36, 6 को माइनस कर दीजिए तो 5t विल बी 30 एंड t विल बी 6। सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया सर। टी को कहाँ रखोगे? टी को एस भी लगेगा, फर्स्ट में नहीं निकालना बेटे, फर्स्ट सेकंड को तो यूज ही नहीं करना। यस थर्ड, पुट इन थर्ड, पुट इन थर्ड बेटे। आपका चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है, सॉल्यूशन यही मेन है। तो एस सर 9 है, आंसर 9, यस 9 है। वेरी गुड, 6 प्लस 3 इज 9, तो S is equals to 9। सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes sir। आप चाहेंगे तो S को 9 और T को 6 रख के दोनों इक्वेशन को satisfy कर सकते हैं। आप खुद देखो 9 minus 6 3 होता है या नहीं होता है? आपकी पहली इक्वेशन क्या थी? S minus T is equals to 3। तो इसका मतलब पहली इक्वेशन क्या है? 9 minus 6 is equals to 3। और दूसरी इक्वेशन क्या है? 9 by 3 प्लस 6 बाई 2। मुझे बताएगा बच्चा 9 बाई 3 क्या होता है? 3 बाई 3। और 6 बाई 2 क्या होता है? 3। तो 3 प्लस 3 इज 6। आ गया ना दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई? जी सर। तो आपकी दोनों इक्वेशन आप चेक कर सकते हो कि मेरा आंसर सही है या नहीं। अब बताओ सब बच्चे ट्राई करोगे? सर मुझे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है? आपको भी तभी अच्छा लगेगा, नो डाउट। मतलब मेरा एफर्ट्स मुझे तभी अच्छा लगेगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा सर, क्वेश्चंस करें 2, 3, 4, 5 जितने भी करें। नो एक्सक्यूज, पूरे साल बेटे स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, पूरे साल यूटीज चल रहे हैं, एक्स्ट्रा बर्डन रहना है, ठीक है? सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, इफेक्टेड है, वर्स्ट इफेक्टेड है, सबके सब बंद है, पैक्ड है, कभी नेट नहीं है, कभी वाईफाई नहीं है, कभी कुछ नहीं है, बट उसके बीच में भी हमें कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना। कहीं भी परेशानी हो मुझे मैसेज कर दो, कॉल कर लो पूरे दिन में तो अच्छा है। अब प्लीज दूसरी चीज आप सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, एक अटेंडेंस होगी 5:10 पे इंशाल्लाह, और एक अटेंडेंस होगी लास्ट में एट द एंड ऑफ माय क्लास। तो जो बच्चा दोनों टाइम में अवेलेबल होगा उसके अटेंडेंस मार्क्स होगी और उसके बाद फिर घर पे कॉल होगी। तो प्लीज बी रेगुलर, बी अटेंटिव एंड पूरी क्लास मेरी ज्वाइन करना है, कंटिन्यू रहना है, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएंगे, ठीक है सर? यस सर, ऑल द वेरी बेस्ट। इसलिए 5:10 मिनट हम रखेंगे, कोशिश करूंगा 5 बजे मैं इन हो जाऊँ क्लास में, बट आप प्लीज अलर्ट रहिए और इंशाल्लाह लास्ट में। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।